मैंने कहा था, मैंने कितनी बार तुम लोगों को वार्न किया, मैंने कहा था कि वो कोई चाल चल रही है, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। देखा, अब उसकी वजह से हम सब मुश्किल में पड़ गए हैं। जाविदान, ऐसी बात करने के लिए ये समय ठीक नहीं। क्यों क्यों ठीक नहीं है ये समय? मुझे तो शुरू से ही उस लड़की पर शक था। मैंने उसे कभी कुछ नहीं समझा। मैंने कहा कि उस पर भरोसा मत करो, और ये भी कहा कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वो उसकी बहन है या नहीं। पर आपने उस दिन भी मुझे आज की तरह ही चुप रहने को कहा। मिसेस जाविदान, आप ये सब क्या बोल रही हैं? मिसेस जाविदान, आज हमने उस जवान लड़की को दफनाया है जिसने जवानी की दहलीज पर अभी कदम रखा था। हाँ, शायद कुलसुम मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन उसके भी सपने थे, और इससे ये सच्चाई नहीं बदली जा सकती कि आज वो हमारे बीच नहीं है। उस लड़की ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। बिना कुछ सोचे उस गोली के सामने कूद गई। क्या वो इतने भी सम्मान के हकदार नहीं है? मैं आपसे भीख मांगती हूं कि प्लीज कुलसुम के बारे में कुछ मत बोलिए। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आने के लिए आपका शुक्रिया। देखो तो इस गंवार लड़की को, मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। मैं कोई कल ही पैदा नहीं हुई हूं, समझी? पता नहीं कहां है। Thank you.
जी रही। जो लड़की अपने आप को आपकी पत्नी की बहन बता रही थी, उसने आपके साथ रहना शुरू किया उसके पहले इस आदमी का कांटेक्ट किया था। इस आदमी के साथ? और एक बात है, उसके अकाउंट में एक साथ बहुत सारे पैसे आए थे उसी समय जब वो आपके घर पर रहने आई थी। मतलब इतने टाइम से हमारे साथ खेल खेला जा रहा था। अगर वो आदमी सब में शामिल है तो फिर जैमरे क्या वो भी सब में शामिल है? जैमरे साइगेन जो कुछ हफ्ते पहले हॉस्पिटल से भाग गई थी वो अभी भी मिसिंग है, उसकी तलाश जारी है। जमरे को जल्द ही ढूंढना होगा, प्लीज आप कुछ कीजिए। गुलसुम हमारी जिंदगी में कैसे आई, सबके पीछे कौन था? मुझे लगता है अगर जमरे को ढूंढ लेंगे तो हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हमारी टीम कमिश्नर सुवाद के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही है। रेहान मेरे बच्चे, सुनकर दुख हुआ। ऊपर वाला तुम्हें हिम्मत दे, मैं भी ओया और ताजी के साथ आने वाली थी पर यहाँ मसल है, मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं आ सकती। पर मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी आ जाऊंगी। अब चाहे कुछ भी कहे, ये सब तो खाली बातें हैं, कोई भी सहानुभूति काम की नहीं। ऊपर वाला मेरे बच्चे अमीर को हिम्मत दे और तुम्हारे अंकल
जल्द ठीक हो जाए दुआ करती हूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। ठीक है बच्ची, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। एक जवान लड़की, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। रुको गुड़िया, मैं देखती हूँ, रुक जाओ। शेरिये, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो बताओ? मैं अपना दुख बांटने आया हूँ शेरिये। वो फादिमा है ना, फादिमा, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। पर क्या मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगा? जो भी तुम्हारी बेइज्जती करेगा, मैं उसकी तरफ दोबारा मुड़ कर नहीं देखने वाला। बात खत्म, मैंने उस फादिमे को भुला दिया है। हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो? अच्छा, मेरी राजकुमारी, तुम अंदर जाकर पेंटिंग करो बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जाओ। कौन है मेरी शेरी? लो, तुम मेरी किससे बात करवाना चाह रही हो? झूठे मक्कार आदमी, मेरे पैसे कब देने वाले हो? इस तरह सौदा पूरा करते हो? हाँ, आवाज मर गई है क्या? अब मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगी। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। क्या हुआ? तुमने बात क्यों नहीं की? आवाज नहीं आ रही थी, फोन पर कौन था? जाओ, तुम अभी निकल जाओ यहाँ से, मैं बहुत गुस्से में हूँ। रुको, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बताओगी भी? देखो तो ये अभी भी बोल रहा है। तुम्हारा ये नाटक बहुत हुआ, चलो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जाओ यहाँ से। शरीय, चलो बात करते हैं। जाकर ये नाटक किसी और के सामने करो, मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाली। जाओ, चले जाओ, जाओ, बाय बाय। मुझे भी समझ नहीं आ रहा नारिन, आखिर उसने ये सब क्यों किया? उसने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? अगर वो मेरी बहन नहीं थी तो वो मुझे पहले ही बता देती। उसने मेरे लिए अपनी जान क्यों दे दी? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मुझसे एक बार ही कह देती, मैं तो अपने दुख तक को नहीं समझ पा रही नारिन, अब मैं क्या करूं? देखो डियर, मैं जानती हूं कि तुम किस मुश्किल समय से गुजर रही हो। ये सब बहुत मुश्किल है, पर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तुम चिंता मत करो, थोड़ा सब्र रखो प्लीज। मैं खुद को नहीं रोक सकती। तुम्हारे अंदर एक जिंदगी पल रही है, तुम्हारी परेशानी से वो भी परेशान होगी। उस बच्चे के बारे में सोचो। मेरी गुड़िया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम ब्रेक ले लो मेरी बच्ची, बाद में कर लेना ये सब। नारिन कब आएंगी सैरी आंटी?
क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी मसल? मुझे लगा कि नारिन आई है। ये किस तरह की बात हुई? तुम इसके पिता हो तो ये तुम्हें देखकर तो खुश होगी ना, है ना? डैडी, नारिन कब आएंगी? नारिन को कुछ जरूरी काम आ गया तो वो नहीं आ पाएगी। चलो चलो जल्दी चलो, तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है, फिर तुम्हें अपनी पेंटिंग भी तो पूरी करनी है ना। चलो चलो जल्दी दूध पी लो। हेलो, क्या आज तुमने काम पूरा कर लिया? आज ही खत्म हो जाएगा ना? शुक्रिया, चलो अच्छा है कि सारा काम आज हो जाएगा। क्या कहा, जज कौन है? ठीक है, हम एक घंटे में वहां पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, तुम अभी भी घर पर हो ना? ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तुम मुझे लेने आ रहे हो? हाँ, कुछ काम है जो पूरे करने हैं। काम? ठीक है, आ जाओ। देखो मेरी गुड़िया, तुम्हारे बाबा नारिन दीदी को लाने जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम अब मुस्कुरा दो बच्ची, वो लोग जल्द ही आ जाएंगे। उनके आने से पहले तुम अपना दूध खत्म कर लो, ठीक है बेटी? चलो चलो। केमाल, वो मुझे लेने आ रहा है। वो भी आए थे ना, तो तुम साथ में क्यों नहीं गए? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं अंदर से अपना बैग लेकर आती हूँ। तलाश सब में शामिल है तो फिर जमरे को भी इस बारे में पता होगा। हेलो जफर, मैं अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आया हूँ। मेरे पास एक ऐसी बात है जो चौंका देगी। तो तुम्हें क्या पता चला? गुलसुम, वो हमेशा से जानती थी कि वो रेहान की बहन नहीं है, और वो तलाश नाम का आदमी भी इस सब में शामिल है। मुझे पुलिस से ही सारी जानकारी मिली। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं भी इसी तरह सरप्राइज हो गया था। ये तो पक्का हो गया कि गुलसुम का तलाश से कोई कनेक्शन जरूर था। वो लड़की इतने महीने तक हमारे साथ घर में रही है, और मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा। मेरा सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? हमें जमरे को ढूंढना होगा। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, उसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। टाइम से हमारे साथ खेल खेला जा रहा। एक मिनट रुको, जिमरे तो हॉस्पिटल में है ना? अनफॉर्चुनेटली वो भाग निकले। क्या बात कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? जफर, इतना कुछ हो गया है। anyway, हमें जिमरे को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। ठीक है ठीक है, मैं अभी बात करके पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई खबर मिले तो मुझे बता देना। डोंट वरी, मैं बता दूंगा तुम्हें।
मिसेस जावेदान आप बस कीजिए प्लीज। पर मैं जानना चाहती हूँ। माफ कीजिए। चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मैं तुम्हें इसके बारे में पूछ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। ये तुम दोनों ने मिलकर इस डॉक्यूमेंट को मुझसे छुपा कर रखा और उस झूठ का साथ दिया। मुझे नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता? हाँ मिसेस जावेदान, ये कहां से आया और ये कहां मिला आपको आखिर? ये स्टडी रूम में था। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर एमिर जानता है। उसे पता है इस बारे में। जल्दी पता चल जाएगा। नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। मुझे इस पर यकीन नहीं है। डेट देखकर तो लग रहा है कि ये टेस्ट कुछ दिन पहले का ही है। ये बात मुझसे अमीर कैसे छुपा सकते हैं? ठीक है तुम शांत हो जाओ। अमीर जानता था पर उसने ये तुम्हें भी नहीं बताया। जरूर इसके लिए उसके पास कोई सफाई होगी। मेरा बेटा तो कभी सारी तैयारी हो चुकी है। ये खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने सारे प्रोसीजर खत्म कर दिए हैं। बस तुम्हें वहां जाकर जज के सामने जाकर यह कहना है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। पर इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम ये नहीं चाहती हो? देखो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात इस तरीके से पता चले, पर मैं बताइए आपको इस बारे में कब से पता था? मुझे पता तुम कंफ्यूज हो रही हो। तुमने ऐसा सोचा नहीं होगा। आप इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपा सकते हैं? मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ, पर पहले तुम शांत हो जाओ।
इस बात को मुझसे छिपाने के पीछे आखिर ऐसी क्या वजह थी? मुझे पता है ये सब बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम्स है, पर मेरा यकीन करो, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। आप कब से मुझसे ये बात छिपाने की प्लानिंग कर रहे थे? अगर आपकी माँ मुझे ये लाकर नहीं दे दी तो। बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, पर मैंने जब रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि तुम दोनों को इस बारे में पता है, तो मैं यहाँ बस पूछने चली आई कि तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। अगर मुझे पता होता तो। रेहान, देखो प्लीज तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें शुरुआत से अंत तक सब बताता हूँ, ठीक है? आई नो बहुत देर हो गई है, पर तुम्हें जानने का पूरा हक है रेहान, आओ बैठो। नहीं, अब क्यों? क्यों? मैंने गुलसुम को खो दिया है, अब क्या फर्क पड़ता है? ये दूसरी बार है जब मैंने अपनी बहन को खोने का दर्द सहा है। मेरे दिल के टुकड़े हो चुके हैं अब, पर ये सब इस चीज ने मुझे और भी तकलीफ दी है। आपने आखिर ऐसा क्यों किया? बताइए क्यों किया? क्यों किया? मुझे बताओ, तुम तो यही चाहती हो ना? ठीक है, अब इसके लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। वो सब कुछ देख लेंगे, सारी तैयारी हो चुकी है, तुम्हें बस इस अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने हैं। चलो अब कोर्ट में चलते हैं। देखो रेहान, मुझे हाल ही में पता चला था कि गुलसुम तुम्हारी बहन नहीं है, पर मुझे पता था तुम ये बात सुनकर परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं चुप रहा। तो आपका शुक्रिया अदा करूं? देखो, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो क्या आप मुझे सुरक्षित रख पाए? अगर आप मुझे सुरक्षित रख पाते तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। मेरे दिल के टुकड़े हो चुके हैं, मैं बिखर गई हूं। मैं अंदर ही अंदर से अब जल रही हूं। आपको मुझे बता देना चाहिए था, शायद मैं उसे बचा पाती, शायद वो अब कब्र में नहीं होती। बचा सकती थी, अगर मुझे पता होता तो बचा सकती थी। तुम उसे नहीं बचा सकती थी। गुलसुम हमेशा से जानती थी कि वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो तुम्हारे साथ नाटक कर रही थी, उसने जानबूझकर तुम्हारे साथ ये घटिया खेल खेला, समझ गई तुम?
नहीं, नहीं। एक झूठ, ये सब एक झूठ था। वो ब्रेसलेट जिस पर गुलसुम लिखा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी गर्दन पर जो निशान था वो भी। जब मिस मेलिका और दाइमा उसके शरीर को साफ कर रही थी तब वो निशान भी मिट गया था। नहीं, अब नहीं, नहीं, मैं ये नहीं सुन सकती अब, नहीं, नहीं। मुझे पता है ये सब मानना मुश्किल है, मुझे पता है कि तुम्हें इन सारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यही सच्चाई है रेहान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर यकीन करूं, गुलसुम या उस गुल पर जो मेरी असलियत में बहन थी ही नहीं। किस पर यकीन करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रेहान आराम से, तुम ठीक तो हो? ये लो पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं ऐसे में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इसने मुझे रोका नहीं, इसने मेरा मन बदलने की एक बार भी कोशिश नहीं की। ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा, हमारा डिवोर्स भी हमारी शादी की तरह। शादी कर लो, देखो ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो सब कुछ देख लेंगे। नहीं तो इस शादी के बाद भी तुम डिपोर्टेशन से बच नहीं सकती थी। तुम्हारी तरह ही मुझे भी इस शादी की जरूरत है। पर क्यों? देखो तुम शादी के बाद यहाँ रह सकती हो और मुझे कोर्ट से अपनी बेटी की कस्टडी लेने में मदद मिलेगी। इस शादी से हम दोनों की मुश्किल सुलझ जाएगी। और उसके बाद? उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उस दिन के बाद काफी कुछ बदल चुका है, पर देखो ना हम फिर से वहीं पर खड़े हैं। फिर से हम दोनों अजनबी बन गए हैं और यही इन सब में सबसे बुरी बात है। एक दूसरे को नफरत के साथ देखना
पर ये सही भी है। इसे लगता है कि मैंने इसे धोखा दिया है। काश मैं इसे पूरा सच बता पाती, पर अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो भाई बहन दुश्मन बन जाएंगे। केमाल तारून, नरीन तारून, अब उस गंवार लड़की और मेरे बेटे के बीच का रिश्ता आसानी से ठीक नहीं हो पाएगा। वो डीएनए टेस्ट तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा काम कर गया। अब वो दोनों और उलझ कर रह जाएंगे। काफी दिनों बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। निगार, तुम अच्छे से सफाई भी नहीं कर सकती क्या? कमरा कितना गंदा पड़ा है, यहाँ कोई डस्टबिन भी नहीं है। रिहान दीदी, मैं आपकी बहन नहीं हूं, पर फिर भी मैंने आपको हमेशा अपनी बहन ही माना है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है। आप सबसे अच्छी बहन हैं। मैंने आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है, उसमें आपकी सास की सच्चाई है। आपकी सास ने जो जो साजिशें की है ना, मैंने उसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। वो देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा। मैंने वो मेमोरी कार्ड बहुत संभाल कर रखा है दीदी, ऐसी जगह रखा है जहां वो नागिन उसे ढूंढ भी नहीं पाएगी, किसी भी हालत में नहीं। जानती है दीदी, मैंने वो मेमोरी कार्ड उसी हियरिंग आज के दिन और तारीख पर शुरू की गई है। वादी केमल तारून और प्रतिवादी नारिन तारून, आप दोनों यहां मौजूद हैं। हम जब इस हॉल से बाहर निकलेंगे तो शादीशुदा नहीं होंगे। शायद तुम दोबारा कभी मेरा चेहरा भी ना देखना चाहो। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने वीडियो भी बनाया है। अब क्या होगा? तुम तो चली गई, पर मुझे तुमसे छुटकारा नहीं मिला। तो तुमने अपनी चाल इस तरह से चली है। ये मेरे अलावा किसी और ने देखा तो नहीं ना?
यहाँ किसने फेंका होगा इसे? मैं तो पागल हो जाऊंगी, दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे वो वीडियो ढूंढना ही होगा इससे पहले कि वो किसी और के हाथ में लग जाए। पर कहां छुपाया होगा, कहां रखा होगा उसने वो वीडियो, घटिया लड़की। सबसे जरूरी चीज लिखी ही नहीं, बेवकूफ कहीं की। मुझ पर बम गिरा कर गई है जो कभी भी फट सकता है। अगर मुझसे पहले वो वीडियो किसी और ने देख लिया तो मेरा खेल खत्म, मैं तो फंस जाऊंगी। वो मेमोरी कार्ड आखिर कहां रख सकती है? एन, उसने एन लिखा है, कहां हो सकता है ये? कहां रखा हो?